दोस्तों 5 जनवरी को दिल्ली के JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा हुई थी। उसमें SFI यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता सूरी कृष्णन घायल हुए थे। सूरी कृष्णन का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, जिसमें वो सर पर और हाथ पर पट्टी बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि सूरी कृष्णन दिखावा कर रहे हैं, उनके हाथ में कोई चोट नहीं है। ऐसे फोटोज और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिनमें सूरी कृष्णन के सर पर और हाथ पर चोट नहीं होने का दावा किया जा रहा है। फेसबुक पर आजकल 3 फोटो का एक कोलाज शेयर किया जा रहा है। एक फोटो में उनके सर और हाथ में पट्टियां बंधी हैं, दूसरे में उनके सर पर पट्टी बंधी हुई दिख रही है और तीसरी फोटो में उनके सर या हाथ में कोई पट्टी नहीं दिख रही, बल्कि उनके गले में और हाथ में फूलों की माला दिख रही है। इस पोस्ट को 2300 बार शेयर किया जा चुका है। फिल्मकार अशोक पंडित ने ट्विटर पर ऐसा ही दावा किया। ABBP के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और कई BJP कार्यकर्ताओं जैसे Y सत्या कुमार और प्रवीण पधी ने भी ऐसा ही दावा किया है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की टीम ने दोस्तों इन वीडियोस की बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। हमारी टीम ने ये पाया कि सूरी कृष्णन की चोट के बारे में जो फर्जी बताया जा रहा है दावा गलत है। उनके सर और हाथ पर चोट लगी है। मेडिकल रिपोर्ट्स में सर पर टाके और हाथ में घाव सिद्ध हुआ है। अपनी पड़ताल में हमें कई मलयालम न्यूज रिपोर्ट्स मिली, जिनमें हमने पाया कि केरल में SFI के कार्यकर्ताओं ने कृष्णन का स्वागत किया। इन खबरों में उनकी जो तस्वीर इस्तेमाल हुई है उनमें देखा जा सकता है कि उनके सर और हाथ में पट्टी नहीं बंधी है और उनके गले में फूलों की माला है। बाद में कृष्णन ने एक छोटे से वीडियो के जरिए अपने घाव के बारे में स्पष्टीकरण दिया। कई फेसबुक पेजेस और सोशल मीडिया यूजर्स ने यह वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में कृष्णन ने JNU हिंसा में अपने सर में हुआ घाव दिखाया और अपने हाथ में लगी चोट के बारे में बताया। वीडियो में स्क्रीनशॉट से देखा जा सकता है कि उनके सर में टांके लगे हुए हैं। दोस्तों 5 जनवरी को ही दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सूरी कृष्णन का इलाज हुआ था। हमने हमारे संवाददाता जो कि केरल में हैं गोपी उन्नीथन, उनसे संपर्क किया और गोपी उन्नीथन ने सूरी कृष्णन की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करके इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की टीम को भेजी, जिसमें चोट की पुष्टि है। मेडिकल रिपोर्ट से यह पुष्टि होती है कि उनके सर में चोट आई है। मेडिकल रिपोर्ट में उनके हाथ में फ्रैक्चर का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें सूजन और चोट का जिक्र जरूर है। दोस्तों इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की टीम ने इन वीडियोस की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से देखा समझा, एम्स से उस रिपोर्ट की पुष्टि भी करवाई और उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चोट नहीं होने का जो दावा सूरी का किया जा रहा है वो गलत है। सूरी के सर पर टांकों के निशान हैं, सूरी के हाथ में चोट के निशान हैं और ये हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर या उस मेडिकल रिपोर्ट में लिखी हुई बात को कह रहे हैं।